नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विथ आलोक में। मैं वीके शुक्ला, सुपर टेट 2020 और 21 के लिए संस्थान के द्वारा बैच संचालित किया जा रहा है, जिसमें पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे वीडियोस आपको दोस्तों मिल रहे हैं, है ना। उसी क्रम में हम आपको भारतीय राज व्यवस्था और संविधान विषय को जो है बहुत ही अच्छी तरीके से एनालाइज करने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि ये संस्थान का व्हाट्सएप नंबर है, देख लीजिए आप, 9125423936 पर। इस पर आपको इंट्री एस्टेट क्या लिखना है, इंट्री एस्टेट लिखकर आपको व्हाट्सएप करना है। और व्हाट्सएप करने के बाद आपके पास एक मैसेज आएगा, जिसके थ्रू आप प्रवेश की प्रक्रिया को संस्थान में सुनिश्चित करा सकते हैं, ठीक है। तो संस्थान का जो लोगो जा रहा है उसमें आपने देखा होगा 130 प्लस अंक, है ना। तो कैसे वो अंक अर्जित किए जाएंगे, कौन से सब्जेक्ट किस तरह से भूमिका अदा करेंगे, उन सारी बिंदुओं पर यहां पर चर्चा होगी, ठीक है। भारतीय राज व्यवस्था और संविधान, यानी भारतीय संविधान और राज व्यवस्था विषय के साथ हम आपको बताएंगे कि किस तरह से और किन टॉपिक से किस तरह से प्रश्नों को सॉर्ट आउट करना है, हल करना है, ठीक है। आज हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो है मौलिक अधिकार। ये एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो कोई भी परीक्षा हो आपकी, किसी भी तरह की परीक्षा हो, भारतीय संविधान का एक ऐसा पार्ट है जहां से प्रश्न बिल्कुल 110% आने ही आने हैं, परीक्षा में प्रश्न यहां से बनने ही बनने हैं, ठीक है। तो इसी क्रम में यदि हम बात कर लें कि किस तरह से मौलिक अधिकार क्या भूमिका अदा करते हैं, है ना, यदि बात कर लें मौलिक अधिकार की, ठीक है, मौलिक अधिकार ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा, आप ठीक। तो मौलिक अधिकारों के संबंध में कि मौलिक अधिकार क्या है, ठीक। तो मौलिक अधिकार में हम लोग क्या क्या देखेंगे, मौलिक अधिकार की पृष्ठभूमि, यानी मौलिक अधिकार की उत्पत्ति क्या होती है, कहां से मानी जाती है। दूसरा देखेंगे हम लोग मौलिक अधिकार का उद्भव एवं विकास, किस तरह से ये इसका जन्म हुआ और कैसे धीरे धीरे आधुनिकता में इसका जो है विकास हुआ है, ठीक। फिर देखेंगे मौलिक अधिकार और भारतीय संविधान, यानी किस तरह से मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में जगह दी गई है, ठीक है। मौलिक अधिकार एवं भारतीय संविधान। फिर इसके बाद बात करेंगे हम मौलिक अधिकार की परिभाषा क्या है, क्यों इसे मौलिक अधिकार हम कहते हैं, ठीक है। फिर मौलिक अधिकारों की संवैधानिकता क्या है, ठीक है, संवैधानिकता इसकी क्या है, क्या मौलिक अधिकार को समाप्त भी किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो मौलिक अधिकारों की संवैधानिकता, मौलिक अधिकारों की प्रवर्तनशीलता कि क्या मौलिक अधिकार किस सीमा तक प्रवर्तनशील है और किसके विरुद्ध प्रवर्तन कराया जा सकता है, ठीक है। मौलिक अधिकारों का निलंबन, ठीक है, मौलिक अधिकारों का निलंबन, ठीक। फिर मौलिक अधिकारों के प्रकार, है ना, मौलिक अधिकार कितने प्रकार के दिए गए हैं भारतीय संविधान में आज के परिप्रेक्ष्य में। इतनी चीजों का समावेश करते हुए साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण वादों पर भी चर्चा हम लोग करेंगे कि क्या महत्वपूर्ण वाद भारतीय संविधान और राज व्यवस्था में मौलिक अधिकार के टॉपिक में कौन से ऐसे महत्वपूर्ण वाद हैं जो परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए महत्वपूर्ण है, ठीक है। कभी कभी वादों से भी प्रश्न जो है वह पूछ लिए जाते हैं कि किस तरह से कौन सा वाद, जैसे मेनका गांधी का केस है, एके गोपालन का केस है, तो ये वाद जो दिए जाते हैं, केसेस जो दिए जाते हैं, प्रश्न कभी कभी यहां से भी पूछ लिया जाता है। तो उन टॉपिक्स पर भी, उन बिंदुओं पर भी, उन पहलुओं पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। आइए, तो हमारा पहला टॉपिक क्या होगा, मौलिक अधिकार की पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि का अर्थ क्या होता है, अर्थात ये कैसे इनका जन्म हुआ,
ठीक है। मौलिक अधिकार की पृष्ठभूमि मींस आया कहां से, ये किस तरह से इनको लाया गया। तो सबसे पहले यदि मौलिक अधिकार की बात किया जाए तो मौलिक अधिकारों का उद्भव सर्वप्रथम 1215 में माना जाता है। कब माना जाता है दोस्तों, सन 1215 में। 1215 में कब माना गया, 1215 में इंग्लैंड के सम्राट थे जॉन द्वितीय, ठीक है, जॉन द्वितीय। इन्होंने अपने नागरिकों को, किसको दोस्तों, अपने नागरिकों को कुछ अधिकार दिए, ठीक है। ये पहली बार अपने आप में ये कोई दस्तावेज था जिसके द्वारा जॉन द्वितीय ने अपने नागरिकों के कुछ अधिकारों को संरक्षित किया। किन्हें किया, कुछ अधिकार ऐसे थे जिसके द्वारा इन अधिकारों को संरक्षित किया गया, सुरक्षित किया गया, ठीक। तो ये पहली बार कहां से जन्म हुआ, इंग्लैंड से। यदि देखिए जॉन सम्राट, ठीक, ये जॉन सम्राट जो थे वो इंग्लैंड के थे। इन्होंने क्या किया था, अपने नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित किया सन 1215 में। फिर इसी तरीके से आगे आया है आपका जो है बिल ऑफ राइट्स आता है 1689 में, ठीक है। 1689 में क्या आया, बिल ऑफ राइट्स। ये भी एक तरह से अधिकारों के संबंध में दस्तावेज था, ठीक। फिर फ्रांस में आता है 1789 में, ठीक है, 1789 में फ्रांस में आता है, ठीक। उसी तरीके से भारत में भी, जब भारत का संविधान निर्माण किया जाने लगा, भारत के संविधान की रूपरेखा रखी जाने लगी, बनाया जाने लगा, तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने भी यह सोचा कि हम अपने नागरिकों को कुछ ऐसे मौलिक अधिकार दें, कुछ इस तरह के अधिकार उनको दें जिससे उनका जीवन यापन या एक सभ्य समाज में रहने वाले मानव की गरिमा को पहचाना जा सके, ठीक। तो इन्होंने क्या किया, भाग तीन में, भारतीय संविधान के भाग तीन में इन्हें क्या रख दिए गए, मौलिक अधिकार के रूप में, ठीक है। और इसे क्या कहा जाता है, भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग तीन में मौलिक अधिकारों को रखा गया जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक दिया गया है दोस्तों। कहां से, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक दिया गया है। और ये क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है मैग्ना कार्टा, ठीक है। किस नाम से ये जाना जाता है मित्रों, ये जाना जाता है मैग्ना कार्टा के नाम से, ठीक है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि भारत के संदर्भ में भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, या भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में यदि बात करें तो मैग्ना कार्टा क्या है। तो याद रखना है हमें दोस्तों कि मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, मौलिक अधिकार का जो हिस्सा है वह क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। ये सभी अधिकारों को क्या कहा गया, प्राकृतिक एवं अप्रकृति देय, प्राकृतिक अधिकार माने गए, नेचुरल अधिकार इन्हें माने गए। क्यों माने गए नेचुरल अधिकार, प्राकृतिक इसलिए माने गए, नैसर्गिक इसलिए माने गए कि ये अधिकार कहीं ना कहीं एक सभ्य समाज जो होता है, एक सभ्य समाज के मनुष्यों के लिए अति आवश्यक होता है, ठीक है। तो इसे लिए क्या कहा गया, प्राकृतिक अधिकार के रूप में भी इसे माना गया, ठीक। संवैधानिक संरक्षण, ठीक है, तो क्या संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकार तो दे दिए हमने, तो क्या इन मौलिक अधिकारों की संवैधानिक संरक्षण कहां से मिलता है, ठीक है, सुरक्षा इन्हें कहां से मिलती है, इन अधिकारों को सुरक्षा कहां से दिया जाता है। जैसे आपने बिल ऑफ राइट्स में पढ़ा, ठीक है, देखिए अभी तक जो भी मौलिक अधिकार थे, ठीक है, तो जिन भी मौलिक अधिकारों को जो संवैधानिक संरक्षण प्राप्त था वो कहीं ना कहीं किसी न किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा था। इंस्टीट्यूट मींस कानून के द्वारा, ठीक है, जैसे बिल ऑफ राइट्स, ठीक है, ये कानून ही तो था जो नागरिकों के जो अधिकार थे उनको संरक्षित कर रहा था।
फिर उसके बाद था मानव अधिकार घोषणा पत्र, फ्रांस का था ये, ठीक है, मानव अधिकार घोषणा पत्र, ठीक है। तो इनके द्वारा, या अमेरिका का मैग्ना कार्टा था, ठीक है, मैग्ना कार्टा, तो कहीं ना कहीं इन अधिनियमों के द्वारा ही इन्हें क्या किया जाता था, इन अधिकारों को संरक्षित किया जाता था। उसी तरह भारत में भी इन अधिकारों को संरक्षित करने के लिए क्या कर दिया, संविधान के द्वारा, ठीक है, यानी भारत के संविधान में ही मौलिक अधिकारों के संरक्षण के संबंध में उपबंध कर दिया और अनुच्छेद 32 के तहत यह प्रावधान कर दिया कि यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसे मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर जिस व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है वह व्यक्ति क्या कर सकता है, सीधा उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। और उच्चतम न्यायालय को क्या कहा गया, संविधान का गार्जियन, ठीक है, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, ठीक है। तो संवैधानिक संरक्षण मानव अधिकारों को कहां दिया गया, सॉरी मौलिक अधिकारों को संवैधानिक संरक्षण कहां दिया गया, संविधान में दिया गया। किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया था, तो दो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। ध्यान दीजिएगा, 32 के तहत केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर आप उच्चतम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों के साथ साथ यदि किसी अन्य विधिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप क्या कर सकते हैं, उच्च न्यायालय की शरण में जा सकते हैं और उच्च न्यायालय युक्त आदेश पारित कर सकता है। क्लियर। तो यहां पर क्या संवैधानिक संरक्षण हमने दिया, हमने ये संवैधानिक संरक्षण कहां दिया गया है, संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत। और ये 32 और 226 में क्या अंतर है, ये हम लोग बाद में देखेंगे जब हम पढ़ेंगे क्या उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, तो वहां पर देखेंगे कि क्या अंतर है दोनों में, ठीक है दोस्तों। आइए अब बात करते हैं परिभाषा, ठीक है, परिभाषा, क्या मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान में परिभाषित किया गया है, क्या मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान में कहीं पर भी किसी रूप में परिभाषित किया गया है क्या। तो भारतीय, पूरे भारतीय संविधान की मैं बात करता हूं, कहीं पर भी आप उठा के देख लीजिए तो कहीं यह परिभाषित नहीं किया गया है कि मौलिक अधिकार क्या होंगे, किसे मौलिक अधिकार कहा जाएगा या मौलिक अधिकार की क्या परिभाषा होगी, ये कतई जो है कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है, ठीक है, कहीं पर भी इस चीज का जिक्र नहीं किया गया है कि मौलिक अधिकार क्या होंगे, किसे कहेंगे मौलिक अधिकार, देखिए। लेकिन इन्होंने ये कहा है कि किसी भी व्यक्ति के पूर्ण बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए, कौन कौन से विकास की बात कर रहे हैं हम, बौद्धिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास, नैतिक विकास और आध्यात्मिक विकास के लिए, ठीक है, नैतिक विकास और आध्यात्मिक विकास। यहां पर कह रहे हैं कि परिभाषा तो नहीं दिया गया है, ठीक, परंतु किसी भी नागरिक के, ठीक, किसी भी नागरिक के बौद्धिक विकास, नैतिक विकास और आध्यात्मिक विकास के लिए यदि किसी अधिकार को दिया जाता है तो वही मौलिक या मूलभूत अधिकार कहे जाते हैं, इन्हें मूलभूत अधिकार भी कहा जाता है। मूलभूत अधिकार क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये व्यक्ति के तीनों विकास के लिए, व्यक्ति के बौद्धिक विकास यानी हमारी सोच को डेवलप करता है, बौद्धिक विकास मींस हम कैसे सोचे, नैतिक विकास हमारे आचार विचार को गवर्न करता है, हमारे आचार विचार को कंट्रोल करता है, आध्यात्मिक विकास कैसे आप जो है आध्यात्म से, कैसे आप जो है आध्यात्म से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो इन तीनों विकास के लिए, इन तीनों तरीके से किसी मस्तिष्क, किसी मनुष्य के विकास के लिए जिन अधिकारों को हमें प्रदान किया जाता है वही अधिकार मूलभूत अधिकार या मौलिक अधिकार कहे जाते हैं। मौलिक अधिकार की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है, अपितु
इनके अध्ययन के आधार पर हम कह सकते हैं कि ऐसे अधिकार, ठीक है, जो किसी व्यक्ति के पूर्ण बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं, यही क्या कहे जाते हैं, यही अधिकार कहे जाते हैं, हमारे मौलिक अधिकार। ठीक, अगला टॉपिक है, इसी में हम बात करते हैं कि मूल अधिकारों के उल्लंघन की क्या कसौटी होगी, क्या किस आधार पर हम ये मानेंगे कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, क्या कसौटी हम रखेंगे, है ना। तो हमारा हेडिंग है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की कसौटी। ठीक, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की कसौटी। ठीक, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की कसौटी। एक केस आया था एके गोपालन का, ठीक है, क्या केस था, एके गोपालन वर्सेस एके गोपालन बनाम मद्रास राज्य। ठीक, इसमें एक सिद्धांत का प्रतिपादन सुप्रीम कोर्ट ने किया था, वो सिद्धांत था सार तत्व का सिद्धांत, सार तत्व का सिद्धांत, इंग्लिश में इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। क्या कहते हैं दोस्तों, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। ठीक, सार तत्व का सिद्धांत, अर्थात सार तत्व के सिद्धांत के अंतर्गत यह कहा जाता है कि सार तत्व के सिद्धांत में यह देखा जाता है कि जिस अधिनियम के तहत या जिस नियम कानून के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, क्या वो मौलिक अधिकारों पर प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रभाव छोड़ रहे हैं या नहीं, यानी प्रत्यक्ष रूप से यदि उल्लंघन किया जा रहा है या नहीं, इस बात की जांच करने के लिए उच्चतम न्यायालय किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, सार तत्व का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, सार एवं तत्व का सिद्धांत। ठीक है, तो किसी भी अधिनियम के द्वारा यदि किसी नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो उस अधिनियम के सार एवं तत्व, यानी उसका क्या होगा, पूरा पिथ और सब्सटेंस दोनों चेक किया जाएगा कि क्या वास्तव में इसके द्वारा या कोई अधिनियम या नियम कानून जो भी बनाया गया है, क्या उनके द्वारा किसी भी प्रकार से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है या नहीं। ठीक, तो किस सिद्धांत का, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की कसौटी में किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, सार तत्व के सिद्धांत का। और यह पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि सार तत्व के सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत गवर्न किया जाता है, तो आप याद रखिएगा दोस्तों मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है ये। ठीक है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत, क्लियर। आगे चलते हम लोग, दूसरा, क्या मौलिक अधिकार अपने आप में आत्यंतिक है, आत्यंतिक मीन्स एब्सोल्यूट। ठीक, क्या मौलिक अधिकार, क्या मौलिक अधिकार आत्यंतिक है, आत्यंतिक है, वेदर The fundamental rights are absolute or not? आत्यंतिक शब्द का क्या अर्थ होता है? आत्यंतिक शब्द का अर्थ होता है कि ऐसे अधिकार जिन पर विधायिका किसी भी प्रकार से कोई कंट्रोल, कोई हस्तक्षेप या कोई नियम और कानून के द्वारा उन्हें रोका ना जा सके। ठीक है, नियम कानून के द्वारा उन्हें जो है रोका ना जा सके। तो यहां पर जो पूछा जा रहा है, तो क्या मौलिक अधिकार आत्यंतिक है या नहीं है, देखिए किसी भी सभ्य समाज में, ठीक, किसी भी सभ्य समाज में यदि किसी को कोई अधिकार आत्यंतिक रूप से दे दिया जाए, हम कह दें कि आप सर्वोसर्वा हैं,
तो जब किसी व्यक्ति को सर्वोसर्व आप बना दो, किसी संस्था को सर्वोसर्व आप बना दो, किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को आप सर्वोसर्व बना दो, तो जहां शक्तियों का क्या हो जाता है, जमावड़ा एकत्र हो जाए, उन्हें यह आभास हो जाए कि हम हमसे बड़ा कोई नहीं, सर्वोसर्वा कौन है, हम हैं, यानी हमसे बड़ा कोई नहीं है, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होने लगी, ठीक है, अराजकता आने लगेगी। यानी यदि मौलिक अधिकारों को हम आत्यंतिक कर दें, ठीक है, तो मौलिक अधिकारों के द्वारा समाज में अराजकता आने लगेगी, इसीलिए मौलिक अधिकारों को आत्यंतिक नहीं बनाया गया है, अपितु इन पर राज्य क्या कर सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है, और वो प्रतिबंध कैसा होगा, राज्य के द्वारा, मनमाना प्रतिबंध नहीं होगा राज्य के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, राज्य के द्वारा यह प्रतिबंध मनमाना नहीं होगा, अपितु क्या होगा, युक्तियुक्त होगा, युक्तियुक्त, यानी इंग्लिश में इसे कहते हैं रीजनेबल, रीजनेबल जो है रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट या सरकार या राज्य लगा सकती हैं, ठीक है। यह मौलिक अधिकार अपने आप में आत्यंतिक नहीं है कि आत्यंतिक है, हमने आपको दे दिया, अब आप चाहे जैसे इस्तेमाल करिए, नहीं, हम आपको मौलिक अधिकार दे जरूर रहे हैं, बट दीज फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, बट द स्टेट कैन इंपोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अपॉन दीज फंडामेंटल राइट्स, ताकि समाज को, सोसाइटी को सही तरीके से रेगुलेट कर दिया जाए। सपोज करिए यदि हम आपको ना दें मौलिक अधिकारों पर निर्बंधन ना दें, ठीक, हमने कहा आप अपने धार्मिक मामलों में पूरी तरह स्वतंत्र हैं, आप अपने धार्मिक मामलों में स्वतंत्र हैं, ठीक है, आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 25 से 28 तक, जिसमें कहा गया है कि राज्य तीन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है, ठीक है, स्वास्थ्य, सदाचार, लोक व्यवस्था, ठीक है, इन तीन आधारों पर, ठीक है, स्वास्थ्य के आधार पर, सदाचार के आधार पर और लोक व्यवस्था के आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता में आपके प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब सपोज करिए ये प्रतिबंध हटा दे, कह दें कि ठीक है ये प्रतिबंध नहीं है, अब आप अपने धार्मिक मामलों में पूरी तरह फ्री हैं, तो फिर क्या होगा, पता चला आपका घर जहां पर है वहीं पर बगल में किसी का मंदिर है, ठीक, अब उस मंदिर में पता चला सुबेरे 3 बजे से लेकर घंटा बजना शुरू हो गया, भगवान जी की भजन बज रहे हैं पूरे फुल स्पीड में, सामने वाले को तो सोना नहीं, अब आप रात को 12 बजे 1 बजे काम करके फ्री हुए हैं, लौटे हैं कहीं से या किसी भी तरीके, अब आपके सोने का टाइम और सामने वाला लाउड स्पीकर लगा दिया, अब आप मना भी नहीं कर सकते हैं, पुलिस के पास भी नहीं जा सकते हैं, पुलिस के पास जाओगे पुलिस कहेगी भैया ये हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कोई अधिकार नहीं उसे रोकने के लिए। तो उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के आधार पर यदि आपके लाउड स्पीकर बजाने से किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, लोक व्यवस्था खराब होती है, सदाचार बिगड़ता है, तो राज्य सरकार आपके धार्मिक मामलों की जो स्वतंत्रता दी गई है उस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। स्पष्ट हो गया, तो राज्य यहां पर क्या है, मौलिक अधिकार क्या है दोस्तों, आत्यंतिक नहीं है, अपितु राज्य इन पर क्या है, युक्तियुक्त निर्बंधन लगा सकता है। सारे फंडामेंटल राइट जितने भी दिए गए, समता का अधिकार दिया गया है, समान और आपका स्वतंत्रता का अधिकार दिया, जितने भी मौलिक अधिकार हैं सब पर राज्य कुछ ना कुछ जो है क्या कर सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है, सभी पर कुछ ना कुछ परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, मूल अधिकारों का निलंबन, कितनी दशाओं में मूल अधिकार निलंबित हो सकते हैं, ठीक है, मूल अधिकार का निलंबन है ना, क्या मूल अधिकार का निलंबन हो सकता है, whether the fundamental rights can be suspended or not, if can be suspended then in what condition it can be suspended, means कौन सी ऐसी दशाएं होंगी, कौन से ऐसे
जो है प्रभाव होंगे, कौन से ऐसे तत्व हैं जिनमें, कौन सी ऐसी कंडीशंस है, दशाएं हैं जिनमें मौलिक अधिकारों का सस्पेंशन हो सकता है, ठीक है, निलंबित हो सकता है। आइए देखते हैं। पहली है प्रतिरक्षा सेना के सदस्यों में, प्रतिरक्षा सेना के सदस्यों के संबंध में, ठीक, यानी इनके संबंध में, प्रतिरक्षा सेना के जो सदस्य होते हैं इनके संबंध में मौलिक अधिकार लागू नहीं होता है, अनुच्छेद 33 कहता है। यानी मौलिक अधिकार क्या है, हम 19(1)(c) के अंदर संघ और संगम, संघ बनाने की स्वतंत्रता देते हैं, लेकिन प्रतिरक्षा सेना के सदस्यों को संघ बनाने की अनुमति नहीं है। क्यों? अब सपोज करिए किसी मुद्दे पर इंडियन आर्मी जो है वो खफा हो जाए और वो संघ बना ले और कह दे भैया हमें नहीं युद्ध करना है, हमें लड़ाई नहीं करना, हमारा वेतन 5,00,000 रुपए महीना करिए, तो देश की सुरक्षा कौन करेगा? इसीलिए प्रतिरक्षा यानी डिफेंस के जितने भी ऑर्गन है भारत में, उन डिफेंस के किसी सदस्य को मौलिक अधिकार नहीं दिया गया है। कब नहीं दिया गया है? जब वो डिफेंस का हिस्सा है, जब वो एक आम नागरिक है, आम नागरिक के तौर पर उन्हें सारे अधिकार दिए गए हैं। केवल कब नहीं दिए गए हैं? When they are joined with the armed forces, जब वो प्रतिरक्षा सेना सदस्य के हिस्सा है, अंग है, तब उन्हें कोई मौलिक अधिकार नहीं है। एक आम नागरिक, एक आम व्यक्ति की हैसियत पे उन्हें समस्त मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। दूसरा कहता है जब सेना विधि लागू हो, यानी देश में मार्शल लॉ जब लागू हो, जब सेना विधि लागू हो, यानी भारत में यदि किसी भी कंडीशन में सेना की विधि लागू हो गई, मार्शल लॉ लागू हो गया, तो उस कंडीशन में जितने भी मौलिक अधिकार संविधान प्रदत्त कर रहा है वो सारे के सारे मौलिक अधिकार आपके क्या हो जाएंगे? सस्पेंड हो जाएंगे, अपने आप स्वतः निलंबित कर दिए जाएंगे। यानी सेना विधि जब प्रवृत्त रहती है देश में, मार्शल लॉ जब लागू रहता है, तो मार्शल लॉ की कंडीशन में दोस्तों क्या होता है, यहां पर ये चीज नहीं मिलती आपको। तीसरा क्या कहता है, संविधान में संशोधन के द्वारा, यानी संविधान में कोई संशोधन कर दीजिए, ठीक है, और उस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों के निलंबित कर दीजिए आप, तो संविधान में संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 के तहत ये भी आपको क्या हो सकता है, आपके मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है संविधान में संशोधन द्वारा। अगली कंडीशन है, चौथा है आपात उद्घोषणा के अधीन, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा में, ठीक, यानी राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा हुई है अनुच्छेद 352 के तहत, 352, ठीक है, और 352 के तहत जब राष्ट्रपति ने आपातकाल की उद्घोषणा कर दी हो, तब वहां पर नागरिकों के मौलिक अधिकारों का निलंबन हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है। लेकिन ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय आपातकाल की दशा में दो अनुच्छेद सस्पेंड नहीं होते हैं, अनुच्छेद 20 और 21, यानी अनुच्छेद 20 और 21 जो है ये निलंबित नहीं होते हैं, ये सस्पेंड नहीं होते हैं, अपितु इसके अलावा जितने भी मौलिक अधिकार होते हैं वो सभी के सभी क्या हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये चार दशाएं हैं जिनके तहत क्या होता है, मौलिक अधिकार का निलंबन किया जा सकता है, ठीक। अब इसके बाद आया है, प्रश्न आता है कि क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है या नहीं, ठीक है, वेदर दी फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड और नॉट, ठीक, बात करते हैं। अगला इसी में प्रश्न आता है कि क्या मौलिक अधिकार, क्या मौलिक अधिकार, क्या मौलिक अधिकार संशोधनीय है,
प्रश्न यदि आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि क्या मौलिक अधिकार संशोधनीय है, यानी क्या मौलिक अधिकारों में संसद अनुच्छेद 368 के तहत जो शक्ति उसे दी गई है, अनुच्छेद 368 के तहत जो शक्ति उसे प्रदान की गई है, क्या वो शक्ति के अंतर्गत यहां पर संशोधन कर सकती है या नहीं। ठीक है, चलिए उससे पहले हम आपको बता दें कि आपको जैसे बताया था कि सुपर टेट का बैच संस्थान के द्वारा संचालित किया जा रहा है, लगातार पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आपको वीडियोस मिल रहे हैं, आप उन वीडियोस को देखिए, पढ़िए, जांचिए और समझिए, और उसके बाद इस बात को एश्योर करिए कि किस तरह से हम 130 प्लस अंक लाकर उत्तर प्रदेश या जो भी परीक्षा शिक्षक भर्ती परीक्षा है उस परीक्षा में कैसे शिक्षक बनने के सपने को साकार कर सकते हैं आप। ठीक है, तो उसके लिए संस्थान का ये व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आपको लिखना है एंट्री एस टेट और लिख के भेज देना है, फिर इसके बाद बाकी की चीजों पर जो है आपको हमारी टीम संपर्क करेगी और वहां से आप अपनी प्रक्रिया को सुनिश्चित करा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए कि क्या मौलिक अधिकार संशोधनीय है या नहीं है, कि क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो एक थियरी का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, वह है मौलिक ढांचे का सिद्धांत। मौलिक ढांचे का सिद्धांत, ठीक है, थियरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ये किस वाद में किया गया था? यह सिद्धांत लाया गया था केशवानंद भारती के मामले में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में यह सिद्धांत लाया गया कि पूछा गया पहली बार कि क्या किसी भी तरीके से, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हां मौलिक अधिकार में या किसी भी हिस्से में संसद अनुच्छेद 368 के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए संशोधन कर सकती है, लेकिन कंडीशन क्या है यहां पर कि जो मौलिक ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे सिद्धांत का, वो नष्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि मौलिक ढांचा नष्ट होता है तो संविधान में जो भी संशोधन किया जाएगा वह संशोधन क्या होगा, असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। जैसे आपको याद हो अभी कुछ दिन पहले यूपीए की सरकार जब थी तो संविधान में 99वां संविधान संशोधन किया गया जिसके द्वारा एनजेएसी के गठन को मान्यता दी गई। क्या दी गई? एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, और उसके द्वारा 3 नए अनुच्छेद जोड़े गए, 124 ए बी और सी। ठीक, और इस अनुच्छेद के तहत एनजेएसी के गठन को मान्यता दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है वह हमारे संविधान का आधारभूत ढांचा है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान का आधारभूत ढांचा है, इसीलिए इस तरह का जो आयोग था, इस आयोग में क्या थे, राजनेताओं का हस्तक्षेप था, प्रधानमंत्री, ठीक है, विपक्ष का नेता और इस तरह के जो भी राजनीतिज्ञ थे उनका हस्तक्षेप इसमें था। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनजेएसी के लिए जो 99वां संविधान संशोधन किया गया है ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को कोलैप्स कर रहा है, और बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, बेसिक स्ट्रक्चर का अर्थ यहां पर हुआ कि जिस पर हमारे संविधान की आधारशिला रखी है। तो आधारशिला क्या है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान की आधारशिला है। इन्होंने इसी आधार पर यह संविधान संशोधन को क्या कर दिया, असंवैधानिक। ठीक, तो कोई भी संविधान संशोधन आप मौलिक अधिकार में करें, कंडीशन क्या है कि वह संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक सिद्धांत जो है, मौलिक ढांचा जो है, वह किसी भी कंडीशन में
नष्ट नहीं होना चाहिए, यदि वो नष्ट होता है तो इस तरह का किया गया कोई भी संशोधन असंवैधानिक माना जाएगा। ठीक, अब इसके बाद आता है क्वेश्चन कि ये किसके विरुद्ध उपलब्ध है, मौलिक अधिकार किसके विरुद्ध उपलब्ध है आपको। ठीक है, मौलिक अधिकार किसके विरुद्ध उपलब्ध है। ठीक, मौलिक अधिकार किसके विरुद्ध उपलब्ध है ना, मौलिक अधिकार किसके विरुद्ध उपलब्ध है। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है राज्य के विरुद्ध। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर है राज्य के विरुद्ध। तो राज्य की क्या परिभाषा होगी, भाई हमने तो कह दिया कि ये मौलिक अधिकार आपको राज्य के विरुद्ध उपलब्ध है, यानी राज्य किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता है। लेकिन राज्य की परिभाषा में आएगा कौन कौन, राज्य माना किसे जाएगा। तो राज्य की परिभाषा कहां दी गई है, अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, और इस परिभाषा के अनुसार उन्होंने कहा कि राज्य की परिभाषा में कौन आएगा, भारतीय संसद, भारतीय संसद और भारत सरकार, है ना, यानी भारत सरकार भी राज्य की परिभाषा में आएगी। दूसरा उन्होंने कहा राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल और राज्य सरकार, तीसरा इन्होंने कहा स्थानीय स्थानीय सरकार, और चौथा है अन्य प्राधिकारी। तो स्थानीय सरकार का मतलब क्या हो गया, नगर निगम, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, ये सारी चीजें लोकल गवर्नमेंट में आ जाती हैं। अब आखिरी जो है वो है आपका अन्य प्राधिकारी। अन्य प्राधिकारी का मतलब क्या होगा, तो इस शब्द की जब व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अन्य प्राधिकारी शब्द में कौन कौन व्यक्ति राज्य में आएगा, इसकी एक कसौटी उन्होंने बताया। क्या कसौटी बताया, कि ऐसी कोई भी संस्थान जिसका स्वामित्व और कंट्रोल, ओनरशिप और कंट्रोल दोनों गवर्नमेंट के पास हो। ठीक है, ऐसी कोई संस्था जिसका स्वामित्व और कंट्रोल दोनों सरकार के पास हो, या उसमें 51% की हिस्सेदारी गवर्नमेंट की हो, वो सभी संस्थाएं अन्य प्राधिकारी शब्द के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में आएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, एग्जाम्पल के तौर पर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। अब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड क्या राज्य के कंट्रोल में है या नहीं है, उन्होंने कहा क्या गवर्नमेंट के कंट्रोल में है या नहीं, तो उन्होंने कहा कि हाँ, यस, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, इसलिए अन्य प्राधिकारी शब्द के अंतर्गत स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड क्या है, राज्य की परिभाषा में आएगा। इसी तरह से आया केस कि क्या एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का नाम आप सभी सुने होंगे, क्या एनसीईआरटी राज्य की परिभाषा में आएगा या नहीं। एनसीईआरटी क्या करती है, एनसीईआरटी सीबीएसई, ठीक है, सीबीएसई के लिए क्या करती है, पाठ्यक्रम का निर्धारण करती है, यही काम है इसका। सीबीएसई के लिए पाठ्यक्रम के निर्धारण का काम कौन करता है, एनसीईआरटी करता है। So, जब राज्य पूछा गया कि क्या ये राज्य की परिभाषा में आएगा या नहीं, तो उन्होंने कहा कि ना तो हमारा कोई फंडिंग है इसमें, ठीक है, ना तो इसका ओनरशिप मेरे पास है, ठीक है, और ना ही इस पर किसी तरह से कंट्रोल गवर्नमेंट का है, एनसीईआरटी पर
ठीक है। तो एनसीईआरटी को उन्होंने राज्य नहीं माना, यह प्रश्न पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि क्या एनसीईआरटी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएगा या नहीं आएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी राज्य नहीं है, एनसीईआरटी इज नॉट कम विद इन द डेफिनेशन ऑफ अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द स्टेट। ठीक है, क्लियर है यहां पर। तो ये हमारा आज का था। अब इसके बाद हमारा आता है कि भूतलक्षी विधियां, ठीक। तो यहां तक का टॉपिक आपका संविधान में था कि मौलिक अधिकारों की का उद्भव कैसे हुआ, मौलिक अधिकार की पृष्ठभूमि क्या थी, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस तरह से समायोजित किया गया है, मौलिक अधिकार जो है क्या प्रवर्तनशील है या नहीं है, मौलिक अधिकार में एक संशोधन हो सकता है या नहीं, मौलिक अधिकार किन किन परिस्थितियों में निलंबित किए जा सकते हैं और मौलिक अधिकार हमें किन के विरुद्ध प्राप्त है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगले टॉपिक में जब हम मुलाकात होगी आपसे तो हम मौलिक अधिकारों पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, यानी मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, उनके अंतर्गत क्या क्या अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं। ठीक है, चलते चलते आपको फिर से बता देते हैं कि संस्थान का ये व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों, जिस पर आप INTSTET लिखकर मैसेज करिएगे व्हाट्सएप पर, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और आप अपनी प्रवेश की प्रक्रिया को सुनिश्चित करा सकते हैं। हमारे साथ जुड़िए और अपने शिक्षक बनने के सपने को साकार करिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।